हम आपके साथ कैलाश नहीं चल सकते। नहीं आरंभ कर सकते गृहस्थ जीवन। हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। पार्वती, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहती? यदि ऐसा होता तो तुम इतनी कठोर तपस्या नहीं करती। क्या कारण है पार्वती, मुझे बताओ। हमारे कहने का अर्थ है कि समस्त सृष्टि हमारे मिलन की प्रतीक्षा में है। महादेव, सती रूप में हमारा आपसे गंधर्व विवाह हुआ था, किंतु वो विवाह संपूर्ण नहीं था। हमारी त्रुटियों के कारण वो विवाह सफल नहीं हो सका। अब आप भी वैराग्य के पश्चात वैवाहिक जीवन की ओर बढ़ रहे हैं और इस विवाह को सफल बनाने का प्रण लिया है हमने। अब इस मिलन में विरह का कोई प्रायोजन नहीं होना चाहिए। ये दाम्पत्य संपूर्ण होगा, वैवाहिक जीवन का सर्वोच्च उदाहरण होगा। हमने तो अपनी तपस्या से आपको पा लिया महादेव, अब आपकी बारी है हमें पाने की। आपको भगवान के रूप में नहीं, हमारे पति के रूप में हमारे पिता के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखना होगा और उनकी स्वीकृति के पश्चात ही यह विवाह संभव होगा। मैं प्रेम भाव को समझता हूं, प्रेम की गरिमा को समझता हूं, प्रेम के महत्व का बोध भी है मुझे, किंतु पार्वती, जिन औपचारिकताओं का तुम उल्लेख कर रही हो, मैं वैरागी उनके बारे में कुछ नहीं जानता। वैराग्य से सांसारिक जीवन की यात्रा प्रारंभ करने हेतु इन औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्य है महादेव। इसे पार कर ही आप हमें पा सकते हैं। किंतु मैं तो तुम्हें स्वीकार कर चुका हूं पार्वती। हमारे माता पिता किसी भी पुत्री का विवाह नहीं कर पाए, एक भी पुत्री को विदा करने का सुख नहीं प्राप्त हुआ उन्हें। हमारी इच्छा है कि उनका ये स्वप्न हम पूर्ण करें और ये तभी संभव होगा जब ये विवाह उनकी स्वीकृति और आशीर्वाद से संपन्न हो। अर्थात तुम्हारी कठोर तपस्या से भी कठिन कार्य करना है मुझे। प्रेम भाव समझाने वाले कठिन और सुगम की चिंता कब से करने लगे? पार्वती।
की प्रतीक्षा करेंगे। माता, माता, अविलंब वो समाचार बताइए जिसे सुनने के लिए समस्त ब्रह्मांड प्रतीक्षा रहते हैं। बताइए माता, आपका कैलाश आगमन कब होगा? मेरे प्रभु ने आपसे क्या कहा? माता, हम सभी व्याकुल हैं। हमारे धैर्य की और परीक्षा मत लीजिए। बताइए ना माता। हमारी तपस्या सफल हुई नंदू, किंतु अब तुम्हारे स्वामी महादेव की तपस्या आरंभ होती है। यदि वो इस तपस्या में सफल रहे तो हम कैलाश अवश्य आएंगे। माता, माता रुक जाइए। प्रभु, माता कहाँ चली गई और आप कौन सी तपस्या आरंभ करने जा रहे हैं और उसे पूर्ण होने में और कितना समय लगेगा? प्रभु, महादेव, आपने देवी पार्वती को स्वीकार कर इस सृष्टि पर बहुत बड़ा उपकार किया है। न जाने कितने कल्पों के हमारे प्रयास को आज आपने आदि शक्ति को पार्वती रूप में अपना कर हमें धन्य कर दिया है महादेव। अब पुनः त्रिमूर्ति संपूर्ण होगी और इस संसार की समस्याओं का समाधान निश्चित है। सृजन का नया अध्याय आरंभ होने जा रहा है। इस अध्याय में अनंत ज्ञान निहित है जो संसार से अज्ञानता का अंधकार दूर करेगा। महादेव, अब चलिए कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। कैलाश के लिए प्रस्थान करने से पूर्व मुझे एक दायित्व की पूर्ति हेतु कहीं और जाना। देवी रति के साथ न्याय करने, उन्होंने घोर तपस्या से मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। अंततः संसार को तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति मिलने का समय आ गया है नारायण। नारायण नारायण।